तो देखो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द रेडियन मेजर कोरोस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। आपको ना ये डिग्री में दिया गया है, तो इस डिग्री को ना तुम्हें कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री, दूसरा है -47 डिग्री 30 मिनट, तीसरा है 240 डिग्री और 520 डिग्री। इन डिग्री, ये तुम्हें डिग्री में दिया है ना एंगल, तुम्हें इनको बदल कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री और रेडियन में करना है, ठीक है ना। तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिया हुआ था, तुम्हें यहाँ पे डिग्री दिया था और तुम्हें क्या फाइंड करना था, रेडियन में पता करना है ना। तो तुम्हें ना ये बात ध्यान रखना है ना कि जब भी तुम्हें रेडियन में निकालना है ना, तो तुम्हारा आंसर पाई के पदों में होना चाहिए, ठीक है ना। तो तुम्हें यहाँ पे 25 डिग्री में पता करना है कितने रेडियन होते हैं। तो तुम्हें पता है, लिख दो वी नो दैट, हमें पता है। तो हमें क्या पता है कि हमें पता है कि 180 डिग्री में है ना कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन होते हैं ना, 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। अच्छा, इस पाई रेडियन को ना पाई के ऊपर छोटा सी लिख कर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि पाई मतलब 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं पाई। अब मान लो सिंपल सी बात है, अगर मुझे 1 डिग्री में पता करना हो कि कितने रेडियन होते हैं, तो 180 डिवाइड में आ जाएगा ना पाई के, तो यानी इतने रेडियन होते हैं। अब क्वेश्चन में कितने आराम से पूछा था कि 25 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो हमें पता चल गया कि 1 रेडियन में इतने मतलब 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं। अगर हमसे 2 पूछा जाए तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा ना, 3 पूछा जाए 4 पूछा जाए तो मल्टीप्लाई होगा, तो हमसे कितना पूछा गया है, 25 डिग्री। तो लिख देंगे 25 डिग्री में कितने रेडियन, तो पाई बटा 180 मल्टीप्लाई 25 डिग्री, ठीक है ना। तो अब ये बस इसे काट दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 से ये 180 कट जाएगा, तो 5 25 होता है और ये 5 से कटेगा ना, तो 5 15 और 5 6 30 है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 एकम 5 पाई बटा 36, और आंसर किस में आएगा, रेडियन में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ, क्लियर है ना आंसर। तो देखो एक और तरीका होता है, अगर हम क्वेश्चन को पढ़े तो हमें रेडियन मेजर निकालना था, तो इसका फॉर्मूला आता है पाई अपॉन 180 डिग्री, ये 180 डिग्री लिखा है, इनटू में मल्टीप्लाई यानी डिग्री मेजर, ठीक है। तो डिग्री मेजर तो आपको कितना डिग्री दिया था, 25 का पता लगाना था, तो आप क्या करोगे, पाई बटा 180 डिग्री और गुना में 25 डिग्री, तो डिग्री से डिग्री कट जाएगा, तो आपका आंसर वही आएगा जो ये आ रहा है 5 5 है 36, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है -47 डिग्री और 30 मिनट। तो तुम्हें सिखाया गया था कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, याद है ना। तो यहाँ पे पहले जो ये मिनट में दिया है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब तुम सिंपल सी बात सोचो कि तुम्हें अगर डिग्री से मिनट पे जाना है तो तुम 60 मल्टीप्लाई करोगे ना, लेकिन जब तुम्हें मिनट से किस पे जाना पड़े, डिग्री पे, तो तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं तो कोई पूछेगा कि 1 मिनट में कितने डिग्री, तो ये 60 कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ना। तो यानी तुम्हें इतना बात समझ आ गया कि जब तुम्हें ना मिनट से और डिग्री पे जाना है तो तुम्हें किससे डिवाइड देना पड़ेगा, 60 से। तो तुम क्या करोगे, -47 डिग्री और जो 30 मिनट था, इस मिनट को ना तुम्हें डिवाइड देना पड़ेगा किससे, 60 से। तो ये भी क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डिग्री। अब 30 से 30 से 30 तीन दिन 60, तो -47 डिग्री और 1/2। अब डिग्री यहाँ ना लिख के ना यहाँ लिख दिया करो, ठीक है। ये भी यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है, इसको इसको भूल जाना। उसके बाद ना इसको मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड होगा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। तो 2 को इससे गुना करोगे, 2 7 14 हासिल 1 2 8 और 1 9, 94 आया, ऊपर 1 हासिल है, तो 94 और 1 क्या हो जाएगा, 95 डिग्री और बटे में 2। तो हमें पता करना है कि इतने डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 180 डिग्री में कितने रेडियन पाई रेडियन होते हैं ना। और अगर हमें पता करना हो 1 डिग्री में कितने रेडियन, तो पाई बटा 180 डिग्री रेडियन, 180 रेडियन है ना, 180 डिग्री रेडियन मतलब 180 डिवाइड में आ गया। अब तुम्हें पता करना था क्वेश्चन में कि -95 डिग्री / 2 है ना, इसमें कितने हैं। तो कितना सिंपल है, बस इसको क्या करना रह गया है, मल्टीप्लाई करना रह गया है ना। अब 2 से डिवाइड कर दो 5 के पहाड़े से, 5 से कटेगा 5 एकम 5 5 मिन 45, तो 19 आ जाएगा, और ये 5 से कटेगा 36 आ जाएगा, 5 15 5 31, और मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो -19 एकम 19 पाई और बटे में क्या आ जाएगा, 36 गुनी 72। तो ये हमारा आ गया रेडियन में आंसर, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, सिंपल होता है।
फाइंड द डिग्री मेजर कोरिस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। तुम्हें ना अब कह रहा है डिग्री मेजर में निकालो, अगर तुम्हें फॉलोइंग नीचे क्या दिया हुआ है रेडियन मेजर, तुम्हें रेडियन में दिया हुआ है और तुम्हें डिग्री में निकालना है, ठीक है। तो फाइंड करना था डिग्री मेजर और हमें यहाँ पे दिया हुआ था रेडियन मेजर, क्या दिया हुआ था, ये आपको रेडियन मेजर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पहले ऐसे लिख दो कि वी नो दैट, हम जानते हैं, तो हम क्या जानते हैं कि पाई रेडियन, कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, है ना, पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। फिर अब क्या करोगे, तुम्हें पता है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं और तुम्हें एक रेडियन में अगर पता करना हो कि कितने डिग्री हैं तो ये पाई डिवाइड में आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड में पाई। अब तुम्हें दो रेडियन पता करना हो तो दो मल्टीप्लाई, तीन रेडियन पता करना हो तो तीन मल्टीप्लाई, है ना। तो ऐसे ही मुझे पता करना है कितना, 11/16 रेडियन में कितने डिग्री हुए, है ना। तो 180 डिग्री बटे डिवाइड में पाई और मल्टीप्लाई 11/16। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब उसके बाद ना पर्सन में कहा था यूज करना है पाई की वैल्यू 22/7, तो कहाँ दिख रहा है पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू तो नीचे दिख रहा है। अगर हम 22/7 लेंगे तो एक और बटे में 7 हो जाएगा, तो उस 7 को हम कहाँ पहुंचा देते, ऊपर मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। यहाँ तक ये जो 22/7 था ना वो 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब कोई कटता हो तो उसे काट दिया जाएगा, 11 × 11 और ये कट जाएगा 11 × 2 = 22, और 2 के पाड़े से ये भी कट जाएगा ना 90/12 में, तो 90 बचेगा, 7 बचेगा और नीचे 16 बचेगा। अब ये और भी कट सकता है ना 2 के पाड़े से, 2 से इसको ऐसा करो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 3 = 63/16। अभी ना 2 से काटो, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 10, फिर 2 से काटो, 2 × 8 = 16। अब इसे क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड देना पड़ेगा, 8 × 8 = 16, 8 × 3 = 24। तो यहाँ से हासिल लेंगे 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7, तो 7 और यहाँ आया 5, तो 8 × 72, 3 से बचाना, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 39 सही 3/1 में क्या था 8, लेकिन अभी ये ना डिग्री में है ना, लेकिन ये बटे में है ना, इसे हम मिनट में चेंज करेंगे। तो मैंने बताया था कि एक डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट। तो ये जो बटे में होता है ना उसको हम ऐसे करते हैं, तो जो बटे में था ना 3/8 उससे हम गुना कर देंगे कितने से, यहाँ डिग्री लगा देंगे और यहाँ पे गुना कर देंगे 60 मिनट से, सही ना। और इसे अब काट देंगे, 8 इसे गुना करके काट देंगे, तो पहले इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये गुना होगा ना, तो 180/8 मिनट। तो अब तुम इसे भाग करो 180 को 8 से, 8 × 2 = 16, फिर 8 × 2 = 16, बच गया सिस्पल 4, बच गया ना सिस्पल 4। तो दोबारा इसे कैसे करो, 39 डिग्री, ये क्या है आंसर 22, तो 22 मिनट और ये 4 सिस्पल बचा ना, तो 4/8। अब इसे सेकंड में बदलना है, तो बताया गया था 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो यहाँ पे 39 डिग्री 22 मिनट और ये जो तुम्हारा बचा था ना ये मिनट में, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसीलिए 60 से मल्टीप्लाई। अब ये गुना हो जाएगा तो 6 × 24 और 8 के पाड़े से कटेगा तो ये आ जाएगा 30, मल्टीप्लाई करोगे ना तो 6 × 24 240 आएगा, और उसे 8 से डिवाइड दोगे तो 8 × 3 = 24 कट गया और 0 से 0 भी आ जाएगा, तो यानी कितना आ गया 30 सेकंड। तो ये हमारा आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। अब मान लो ये लिखा है कि 5π/3 है ना, तो ये तुम्हें रेडियन में दिया हुआ है ना, और इस क्वेश्चन को किसमें बदलना है, डिग्री में ना, तो पहले लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो 180 डिग्री होते हैं। अब हमें एक रेडियन में पता करना है तो ये कितने डिग्री होंगे, 180/π डिग्री होंगे ना, तो अब पर्सन में हमें कितने में पता करना है, 5π/3 में, तो इस 180 डिग्री बटे पाई को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5π/3 से, तो पाई से पाई कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा 60, तो बचेगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 300 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसे ही तुम्हें ना अगला क्वेश्चन भी स्वयं करना, ये थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है।
ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक जो व्हील माने पहिया होता है ना, किसी का भी पहिया, तो वो ना 360 रिवोल्यूशन करता है, यानी 360 चक्कर लगाता है, ऐसे रोटेट करता है 360 बार। तो जब वो रोटेट करता है ना, तो 1 मिनट में करता है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो मैं कह सकता हूँ कि 60 सेकंड में कितने चक्कर मार रहा है? 360। 360 चक्कर लगा रहा है, रोटेट कर रहा है, या रोटेशन कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है, घूर्णन कर रहा है। आगे कह रहा है कि थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो बताओ 1 सेकंड में वो कितना रेडियन टर्न करता है, रेडियन में बताना है कि कितना रेडियन टर्न करता है। और तुम्हें पता है कि एक चक्कर होता है 2 पाई, कितना होता है 2 पाई। तो पहले पता लगाना पड़ेगा कि 1 सेकंड में वो कितने चक्कर मारता है, और 1 चक्कर में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 2 चक्कर में 4 पाई, 3 चक्कर में 6 पाई, ऐसी इसका जब 1 सेकंड में पता चल जाएगा ना कि कितने चक्कर मारता है, तो 1 चक्कर में बनते हैं 2 पाई रेडियन। पूरा 1 चक्कर में कितने बनते हैं? 2 पाई रेडियन। और जितना पूछा जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं, तो हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है। तो 1 मिनट में कितने लगा रहा था? 360, यानी 60 सेकंड में ही। तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितने चक्कर? 360। फिर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड, अब 1 सेकंड में कितना लगाएगा? तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 चक्कर। तो वी नो दैट, हम पता है कि 1 कम्प्लीट रिवोल्यूशन मेक एंगल 2 पाई रेडियन ऑन द सेंटर, कि जो हमारा सेंटर है अगर हम उस पर 1 चक्कर कोई सुई घूम जाती है ना, तो 1 चक्कर कितना रेडियन बनाती है? 2 पाई रेडियन का एंगल बनाती है सेंटर पे। सेंटर पे कितने का? 2 पाई का। तो हमने पता लगाया कि 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा रही है। तो फाइंड करना था कि हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में वो कितना रेडियन टर्न करेगा। तो हम लिख देंगे टोटल रेडियन डज इन 1 मिनट, है ना, 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन होगा? तो हमें पता चल गया 1 सेकंड में 6 चक्कर मारा था, और 1 चक्कर में कितना रेडियन बनता है? 2 पाई रेडियन बनता है। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 12 पाई रेडियन, ये हमारा अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4th, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। पर्सन है ना, पर्सन मैं यहाँ समझाता हूँ, पर्सन है कि तुम्हें फाइंड करना है डिग्री मेजर, आपको डिग्री में पता करना है एंगल को, तुम्हें एंगल का डिग्री मेजर पता करना है, जिसमें एक मान लो सर्कल है, तो उस सर्कल में ना ये तुम्हारा लेंथ ऑफ आर्क है, और ये सेंटर है, और ये क्या होता है, याद करो, रेडियस होता है ना, और ये क्या होता है आपका थीटा, रेडियन में, किसमें? ये थीटा रेडियन में होता है, याद रहेगा ना, ये थीटा किसमें होता है? रेडियन में होता है, रेडियन में लेना है, यानी पाई में। अब ये कह रहा है ना कि पर्सन में कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर। तुम्हें यानी आर्क ऑफ लेंथ दे दिया, कितने सेंटीमीटर है, और तुम्हें रेडियस दे दिया, रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर। अगर 100 सेंटीमीटर का कोई रेडियस है और आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर है, तो वो ना सेंटर पे कितने का एंगल बनाता है, वो एंगल तुम्हें डिग्री में पता करना है, सही है? तो तुम्हें वो एंगल डिग्री में पता करना है। तो तुम जानते हो कि जो थीटा होता है वो होता है एल अपॉन आर, तो तुमने एल मिल गया 22 और ये बट गया 100, तो ये हो गया थीटा, राइट। उसके बाद ना ये जो तुम्हारा जो थीटा आया है ना, इसे हम पढ़ रहे हैं, ये आपका ना ये एंगल है, ये कौन सा एंगल है? ये एंगल है रेडियन में, किसमें है? और तुम यहां लिख दो वी नो दैट, हम जानते हैं। तो तुम जानते हो कि पाई रेडियन में है ना, कि पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। अब मुझे पता करना है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो 180 बटे पाई डिग्री होते हैं। अब मुझे इस पर्सन में पता लगाना है कि 22 बटे 100 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 22 बटे 100 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो यहाँ 1 में इतना, तो 2 पता करने के लिए 2 मल्टीप्लाई, तो 3 पता करने के लिए 3 मल्टीप्लाई, तो ऐसे ही मुझे इतना पता करना है 22 बटे 100 में कितना, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई आएगा? 22 बटे 100, और ये आंसर अब किस में आएगा?
डिग्री में आएगा, ये आंसर किस में आएगा, डिग्री में आएगा। तो अब पाई की वैल्यू क्या खोलनी पड़ेगी, परसेंट पढ़ोगे ना, पाई की वैल्यू बोला था 22/7 यूज करनी है, तो हम इस पाई की जगह क्या ले लेंगे, 22/7। लेकिन जो बटे वाला सात है ना, ये जो बटे वाला सात है ना, वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 22 से 22 कट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, और 2 के पारे से काटोगे ना, 2 × 18 और 2 × 5 10, और 9 × 7 63/5। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 63 को 5 से भाग करना है, 5 × 5 5, फिर 5 × 2 10, 3 शेष बच गया ना। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 12 से ही 3 शेष बचा था ना, तो 3/5 डिग्री। लेकिन अभी इस डिग्री को बटे में है ना, इसे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 12 डिग्री और ये 3/5 है ना, इसे 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जब गुना करोगे ना, तो 16 × 3 = 180, तो 12 डिग्री और 180/5 मिनट, 5 से काटोगे ना, तो आंसर आ जाएगा 12 डिग्री और ये जाएगा 36 मिनट। ये 5 से काटोगे ना 180 को, तो 36 बार में कट जाएगा, तो यानी 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक ऐसा सर्कल है जिसका डायमीटर यानी जो व्यास है ना वो 40 है, तो रेडियस निकल जाएगा, इसका आधा होता है ना 20। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ कोर्ड, तुमने कोर्ड सुना जीवा, तुम्हें जीवा बोल रखा है कि 20 है कोर्ड, और फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोर्ड, तुम्हें अब फाइंड करना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोर्ड, उस कोर्ड का जो माइनर आर्क है ना वो पता करना है, अब तुम्हें चाप पता करना है। यानी पर्सन को पढ़ने से ना, हमें तो मान लो एक सर्कल था, उसका ये कोड था ए बी, ठीक है जीवा, तो ये कोड की लंबाई कितनी थी 20, और डायमीटर पर्सन में दिया था 40, तो रेडियस क्या जाएगा 20, तो यानी ये रेडियस ये कोड, तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, यानी ओ ए भी आपको 20 मिला, ओ बी भी 20 मिला, और जो कोड था ना ए बी वो भी क्या मिला 20 सेंटीमीटर, तीनों मतलब बराबर मिले। तीनों बराबर मिलने का मतलब है कि ट्रायंगल ए ओ बी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल और ट्रायंगल, और तुम्हें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में इच एंगल इज 60 डिग्री है ना, तो एवरी एंगल क्या होता है, तो एवरी एंगल इज 60 डिग्री, तो यानी तुम्हें एंगल मिल जाएगा सेंटर वाला, यानी ए ओ बी मिल जाएगा, जिससे हम थीटा भी कह सकते हैं, कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन ये किसमें है, डिग्री में, किसमें है, तुम्हें से रेडियन में बदलना है, तो मैंने बताया था कि पाई में पाई 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, 180 डिग्री में कितने होते हैं पाई रेडियन होते हैं ना, तो अब कोई पूछे तुमसे कि 60 डिग्री में कितने, तो इसको कितने से डिवाइड करने पे 60 आया होगा, 3 ना, तो यानी 60 पाई बाय 3 रेडियन, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए ओ बी या थीटा कितना हो जाएगा 5/3 रेडियन। मैंने इसे रेडियन में इसलिए निकाला क्योंकि पर्सन में मुझसे पूछा था कि फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ यानी मेरे को ए बी जो आर्क है ना इसकी लेंथ पता करनी है ए बी की, तो मुझे इस थीटा का फॉर्मूला यूज करना था L/R। तो ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर पाते हो जब आपको ये जो एंगल दिया है ये रेडियन में हो, तो अगर मैं 60 डिग्री ले लेता तो क्या ये रेडियन में होता, तो अब मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, तो अब मैं इसकी जगह क्या ले लूंगा 5/3 और L निकालना है, और रेडियस तुम्हें 20 दिया हुआ था, परसेंट पढ़ोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 20 इधर आ जाएगा, तो L क्यों हो जाएगा 20/3, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन लिखा है कि इफ इन टू सर्कल, कि अगर दो सर्कल हैं आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों के जो आर्क है ना दोनों सर्कल के वो सेम है, सेम लेंथ के हैं, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, और वो केंद्र पे ना 60 डिग्री और 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडाई, तो मैंने उसका रेशियो पता करना है, किसका, रेडाई का रेशियो पता करना है, ठीक है। तो हमारा पर्सन था कि फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर रेडाई, तो देखो एक दो सर्कल थे, ठीक है ना, दो सर्कल थे, मान लो इसका सेंटर है ओ और इसका सेंटर मान लो ओ डैश, इसमें मान लो ये दो आर्क है, इसका नाम मान लो ए बी है और इसका मान लो सी डी है। इसने पर्सन में कहा था कि लेंथ ऑफ आर्क आर सेम, यानी ये जितना बड़ा लंबाई का है ये भी उतने लंबाई का, यानी ये दोनों सेम है, ये भी एल और ये भी एल, दोनों के सेम है, यानी जो आर्क ऑफ ए बी है और जो आर्क ऑफ सी डी है ये दोनों क्या है, सेम है, यानी ये दोनों बराबर है। और तुम्हें बोला था कि ये वाला एक बनाता है 60 डिग्री का एंगल और एक बनाता है 75 डिग्री का एंगल, तुम्हें पता करना था रेशियो किसका, रेडाई का रेशियो, आर1 रेशियो आर2,
तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ना ये जो डिग्री में दिया हुआ है इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो तुम्हारा जो पता है कि तुम्हें कि 180 डिग्री जो होता है इसमें पाई रेडियन होते हैं, तो तुम पहले निकालोगे 60 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो पाई बाय 3 रेडियन होते हैं। तो मैं इसको मान लेता हूं कि मुझे थीटा 1 मिल गया पाई बाय 3, है ना। तो ऐसे ही अब दूसरा ले लोगे कि अब 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, 180 में पाई रेडियन होते हैं, फिर तुम्हें 75 डिग्री में पता करने हैं, कितने पता करने हैं 75 में, तो पाई बटा 180 और गुना 75। समझ आया कैसे करा, पहले एक निकालने के लिए पाई बटा 180 और 75 निकालेंगे 75 मल्टीप्लाई, अब ना ये कट जाएगा 25 से कटेगा या 5 से कटेगा, शायद 5 से काट दो, तो 5 से काटोगे 5 एक 5 पचपन 25 15 पाई और बटे 5 से काटोगे ना ये, तो 5 या 15 5 31। अब ये 3 से और कट सकता है ना, कट सकता है ना, 3 से 3 से काटो 3 पच्चीस 15 और 3 से काटोगे तो 12, तो ये इतना आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आ गया मान लो थीटा 2, यानी ये जो एंगल बना है ना ये तुमने रेडियन में निकाला है, किसमें निकाला है रेडियन में। वो रेडियन में हमने इसलिए निकाला है क्योंकि आपको एक फॉर्मूला बताया गया था थीटा इक्वल टू एल बाय आर, और ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब ये जो थीटा है ये किसमें होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए। रेडियन का पहचानने का तरीका है कि वो पाई में होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें थीटा 1 थीटा 2 पता चल गया और दोनों में एल एल भी पता चल गया, अब आर 1 आर 2 का रेशियो निकालना है। तो तुम पहले यहाँ पे ना फॉर्मूला लगा दो, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एल अपॉन, तो थीटा तुम्हें पाई बाय 3 दिया हुआ है और एल तुम्हें मान लो एल ही रहने दो क्योंकि ये तो दोनों में सेम है, और ये आर 1 मान लो इससे, है ना। तो तिरछा मल्टीप्लाई करोगी ना तो ये पाई मल्टीप्लाई आर 1 और ये इससे मल्टीप्लाई आएगा तो 3 आएगा। तो तुम्हारा आर 1 की वैल्यू निकालने के लिए 3L और ये डिवाइड में क्या जाएगा ये इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे तुम इसके अंदर फॉर्म लगा दो, तो इसके अंदर फॉर्म लगा दो कौन सा थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे लिख दिया करो फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला। अब क्या करो कि थीटा तुमने निकाली थी किसमें रेडियन में, 5/12 निकाली थी, एल पता नहीं है और ये आर 2 मान लो, और तुम इसको भी आर 2 निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 5 मल्टीप्लाई जाएगा आर 2 से और ये 12 मल्टीप्लाई जाएगा एल से। आर 2 निकालने के लिए 12 एल के डिवाइड में क्या चल जाएगा 5 पाई, सही है ना। तो ये इक्वेशन क्या मान लो, तो अब इन्हें डिवाइड कर दे तो रेशियो आ जाएगा, तो यानी अब तुम्हें क्या निकालना था रेशियो, तो यहाँ पे लिख दो आर 1 रेशियो आर 2 निकालना था ना, यानी आर 1 बटे आर 2 होता है ना मतलब, तो इसको इससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे लिख देना कॉपी में, यहाँ जगह नहीं बची मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देना डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, है ना। तो आर 1 अपॉन आर 2, आर 1 कितना आया था 3L बटे पाई और ये आर 2 कितना आया 12L अपॉन में 5 पाई। तो देखो कुछ कट जाएगा ना, तो इसको काटते हैं अगले पेज पर। अब क्या होगा देखो, ये आराम से दिख रहा है कि पाई से पाई कट जाएगा और एल से, तो बचेगा 3/1 और फिर 12/5। ये 5 कहाँ मल्टीप्लाई आएगा, सबसे ऊपर है ना 3 से, और ये 1/12 3 से कट जाएगा 3/12 तो 5/4। तो तुम्हारा आर 1 और आर 2 का रेशियो कितना आ गया 5:4, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10, 15 and 21। कह रहे ना कि एक जो तुमने पेंडुलम का नाम सुना लोलक, ऐसे जो लटकता घड़ी का ऐसे ऐसे, तो जो एक लोलक होता है ना उसकी तुम्हें लेंथ दे रखी है लंबाई, ये 75 दे दी है, और जो वो ऐसे लटकता है तो ऐसे ऐसे वो आर्क बनाता है, तो जो आर्क की लेंथ है ना अगर 10 हो तो रेडियन कितना होगा, है ना, एंगल ऑफ रेडियन कितना होगा, 15 हो तो कितना होगा और 21 हो तो कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तुम्हारा प्रश्न ये ना कि कोई ऐसे पेंडुलम है, तुमने देखा होगा कि पेंडुलम ऐसे होता है ना, और इस पेंडुलम को जब ऐसे हिलाया डुलाया जाता है तो ये पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव करता है ना, ऐसे ऐसे करता है ना मूव, इधर उधर मूव करता है। तो तुम्हें पेंडुलम की लेंथ दे दी थी तो ये रेडियस हो गई एक तरह से सोचो कि, तो तुम्हें 75 सेंटीमीटर दी थी ना पेंडुलम की लेंथ, ये रेडियस है एक तरह से, और ये जो मूव करता है ना ये तुम्हें दिया होता लेंथ ऑफ आर। तो पहले क्वेश्चन में तुम्हें लेंथ ऑफ आर कितना दिया था 10 सेंटीमीटर, फिर जब तुम दूसरा क्वेश्चन करोगे
तो लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। फिर जब तुम थर्ड क्वेश्चन करोगे ना तो उसके अंदर क्या लेना है 21 सेंटीमीटर, सही है ना। और तुम्हें क्या फाइंड करना है, तो तुम्हें फाइंड करना है एंगल इन रेडियन, है ना। तो कौन सा एंगल, ये जो एंगल बन रहा है ना, तुम्हें ये एंगल पता करना है यानी थीटा, और वो भी रेडियन में पता करना है। तो रेडियन में पता करने के लिए थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एल बाई आर होता है ना। तो यानी एल हमें पता है, एल है 10 और बाय आर, आर कितना है 75। तो जब तुम दूसरा निकालोगे तो उसके अंदर भी फॉर्मूला एल बाय आर, तो एल यानी कितना है तो 15 है और तुम्हारा आर तो 75 ही रहेगा, सही है ना। तो जब तुम तीसरा निकालोगे तो उसका भी एल बाय आर, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 21, तो 21 बटा आर हो जाएगा 75। तो पहले ये काट दोगे 5 से, तो 2 5 2 10, 5 5 25, तो 2 बटा 15 आ गया आंसर। तो ये हमारा रेडियन में आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे जब ये वाला काट दोगे 15 कम 15 15 5 75, तो 1/15 आ जाएगा, आ गया ना सर, रेडियन आ गया। और ऐसे तुम ये वाला भी काट दोगे, मेरे को लगता है 3 के पार्ट से कटेगा, 3 7 21 और 3 2 नीचे 3 15, 7/25 रेडियन, समझ में आ गया। रेडियन को हम छोटा सी भी लिखते हैं, बताया था ना, तो ऐसे लिख सकते हो 25/75 रेडियन के लिए छोटा सा सी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई।